स्टूडेंट्स अस्सलाम असलम टूडेज टॉपिक इज हाउ टू क्रिएट एन एस्टिमेट इन क्विक बुक्स एस्टिमेट क्या होता है एज यू नो एस्टिमेट इज अ तखमीना इन उर्दू बहुत सारे काम जो क्विक बुक्स करती है जैसे कि आपने पिछले तमाम लेक्चर्स में देखा होगा वो मुख्तलिफ टाइप के बिजनेसिस को कीटर करती है जिसमें रिटेल बिजनेस भी हो सकता है जिसमें प्रोडक्ट सेल्स भी हो सकती है जिसमें सर्विस सेल्स भी हो सकती है इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें आप कोई भी प्राइस बताने से पहले उस चीज़ का तकमीना या एस्टिमेट लगाते हैं और एस्टिमेट लगाने के बाद आप देखते हैं कि कितने दिनों में या किस पीरियड में ये चीज़ कंप्लीट हो सकती है ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के आप अपना एस्टिमेट एक प्रपोजल की सूरत में अपने कस्टमर या क्लाइंट को देते हैं लेकिन कस्टमर या क्लाइंट को एस्टिमेट देने से पहले आपको उन तमाम चीजों की कॉस्ट या कीमत का पता होना चाहिए जो उस एस्टिमेट में शामिल है हो सकता है कि आपका प्रोजेक्ट रिटेल मार्केट से हट के कोई घर बनाने का कोई बिल्डिंग बनाने का या कोई भी ऐसी कंस्ट्रक्शन का हो जिसमें थोड़ा सा अरसा लगता है जब भी इस तरह की कोई कंस्ट्रक्शन कोई मेंटेनेंस का काम कोई घर में कोई छत डालना है कोई लकड़ी का काम करना है इन तमाम का जब भी हम एस्टिमेट बनाएंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे क्विक बुक्स का एस्टिमेट का फीचर एस्टिमेट का फीचर क्विक बुक्स में हमें तमाम प्रोडक्ट्स की तमाम सर्विसेज की कॉस्ट बताता है और बेस्ड ऑन दैट कॉस्ट वी कैन फिगर आउट अ एस्टिमेट और अ प्रपोजल टू गिव टू आर क्लाइंट और कस्टमर जो हमारे पास तखमीना होगा हम उसका कोई ना कोई परसेंटेज मार्जिन रख के अपने कस्टमर या क्लाइंट को अपना एस्टिमेट दे देंगे एस्टिमेट से हमें क्या फ़ायदा होगा हमें पता चलेगा कि इस काम को करने में हमारी कितनी कॉस्ट आएगी क्या हमारी लागत आएगी इस काम को कंप्लीट करने में उस पर हम अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे और अपना एस्टिमेट अपने कस्टमर को दे देंगे और ये एस्टिमेट अगर अप्रूव हो गया तो फ़ौर ही हम इस एस्टिमेट को इस्तेमाल करते हुए अपने क्लाइंट या कस्टमर को इन या बिल कर सकते हैं सबसे बड़ा फ़ायदा एस्टिमेट इसके अंदर बनाने का ये है कि इसमें वो तमाम चीज़ें और तमाम सर्विसेज और प्रोडक्ट्स जो हम सेल कर रहे हैं जो हम बेच रहे हैं वो तमाम लिस्टेड हैं उनकी कॉस्ट हमारे पास अवेलेबल है हमें ड्यूरेशन हमारे क्लाइंट या कस्टमर ने बताया हुआ है और बेस्ड ऑन ऑल दिस इंफॉर्मेशन वी कैन मेक एन एस्टिमेट फॉर आर क्लाइंट याद रहे कि रिटेल बिजनेस में शायद हमें एस्टिमेट बनाने की जरूरत ही पेश ना है, लेकिन बिजनेस की नौयत देखते हुए हमें ये डिसाइड करना होता है कि क्या हम इस प्रोजेक्ट के लिए एस्टिमेट बनाएंगे या नहीं और क्योंकि क्विक बुक्स हर किस्म के बिजनेसिस को कवर कर रहा है तो उसमें एक बिजनेस टाइप जो ये कवर करता है उसमें एस्टिमेट एक बहुत जरूरी जुज है आइए देखते हैं कि हम क्विक बुक्स में एस्टिमेट किस तरह से क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स एज यू नो वेन वी स्टार्टेड दीज लेस ऑफ क्विक बुक्स द फर्स्ट थिंग वी डिड वॉज टू क्रिएट अ कंपनी एंड वेन वी क्रिएटेड दैटनी क्वेश्चन आस्ड वॉज आर वी गोइंग टू मेक एस्टिमेट्स एंड वी सेड यस हमने जब ये कंपनी क्रिएट की तो उस वक्त हमने जो चीज़ चूज की थी वो था कि वी आर गोइंग टू क्रिएट एस्टिमेट्स अगर हमने उस वक्त वो चीज़ चूज ना की होती और अब हमें अंदाजा होता कि हमें एस्टिमेट बनाने हैं तो आइए देखते हैं कि हम क्विक बुक्स में वो किस तरीके से एस्टिमेट की ऑप्शन को ऑन करते हैं आपको जाना है सबसे पहले एडिट और फिर प्रेफरेंस में और प्रेफरेंस के अंदर आपको नज़र आएंगे जॉब्स एंड एस्टिमेट्स कंपनी प्रेफरेंस में जाएं एंड डू यू क्रिएट एस्टिमेट को यस yes कर दें जैसे आप यस yes करेंगे ओके okay करेंगे तो आपके होम पेज के ऊपर कस्टमर पैनल के अंदर एस्टिमेट्स का आइकॉन नजर आने लगेगा और जब भी हम एस्टिमेट को क्लिक करेंगे तो हमारे पास एस्टिमेट की स्क्रीन आ जाएगी याद रहे कि एस्टिमेट बेस करता है हमारे कॉस्ट पे जो हमने अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस के साथ एसोसिएट की हुई तो आइए देखते हैं कि एस्टिमेट कैसे बनाते हैं और क्योंकि एस्टिमेट का डायरेक्ट ताल्लुक़ हमारे इन से होगा तो हम देखेंगे कि एस्टिमेट की शक्ल हमारे किसी भी इन की शक्ल की है इसमें सबसे पहले जिस तरह से हम इनस में चूज़ करते हैं इसमें भी हम कोई ना कोई कंपनी चूज़ करेंगे और उसकी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास सामने नज़र आने लगेगी इस केस में हमने इस ख़ास कस्टमर को जो चीज़ की एस्टिमेट देना है जो तखमीना देना है वो हम देख लेते हैं हमने इसे कैबिनेट्स का तखमीना देना है और साथ साथ हमने इसे इंस्टॉलेशन का तखमीना देना है। जैसे ही हमने ये इंफॉर्मेशन यहाँ डाली यहाँ कुछ ना कुछ इन्फॉमेशन ऑटो फिल्ड होके हमारी स्क्रीन के ऊपर आ गई जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि ये कितनी तादाद में आपने कैबिनेट्स इसे देने तखमीने में हमने कहा है कि हमने इसे कोई आठ कैबिनेट्स देने और उनके दरवाज़े वगैरह सारे हमने देने इसी तरह इंस्टॉलेशन हमारी जो होगी उसका भी एक तखमीना हमने इन्हें देना है और ये इंस्टॉलेशन है कोई हंड्रेड स्क्वायर फुट की वो हमने इन्हें तखमीना दे दिया। इसके सामने आप देख सकते हैं कि एक कॉस्ट का कॉलम है जो हमें नजर आ रहा है कॉस्ट हमारी कहां से आई कॉस्ट हमारी आई उस रेट से जो हमने एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग दीज आइटम्स हमने उसको दी थी जो भी हमने कॉस्ट दी थी उसके हिसाब से जो भी हमने रेट दिया था उसके हिसाब से ये कॉस्ट हमारे सामने आ गई है इस कॉस्ट को अब हमने अपना जो टेम्पलेट है वो चेंज किया है टेम्पलेट हम प्रपोजल वाला लेकर आए हैं इसमें आपको वो रेट भी नज़र आ रहा है जो हमने एट द टाइम ऑफ जैसे कि आपको याद होगा हमने क्रिएशन इसको दिया था रेट हमारा 72 था ये हमने इसके ऊपर अपने क्वांटिटीज डाली हैं और ये जो अमाउंट आपको नज़र आ रही है ये अमाउंट हमारी कॉस्ट की अमाउंट ये सारी कॉस्टें हमने इधर डाल दी हैं और ये जो आपको यहाँ सामने अमाउंटें नज़र आ रही हैं ख़ास तौर पर ये वाली अमाउंट ये वाली प्राइस की अमाउंट है। हमने जब ये चीज़ क्रिएट की तो हमने उस वक्त इसको बताया था कि इसका रेट ये होगा और इसका जो प्राइस होगी वो उससे थोड़ी ज़्यादा होगी तकरीबन ट्वेंटी परसेंट हमने उसमें इजाफा रखा था अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसकी प्राइस बढ़ाएं या इसका हम किसी तरीके से जो हमारा मार्कअप है वो इनक्रीज़ करें क्योंकि इस केस में हमारी प्राइस हमारे पास सामने आ गई है लेकिन इधर हम अपनी पसंद से पंद्रह परसेंट मार्कअप इसको दे सकते हैं और इसी तरह यहाँ भी हम पंद्रह परसेंट मार्कअप दे रहे हैं जैसे ही आप इसमें मार्कअप डालेंगे आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि हमारी जो कॉस्ट है वो है 576 लेकिन अब हमारी जो प्राइस आ रही है वो आ रही है 662 और इसी तरह से हमारी जो कॉस्ट है वो 12000 है लेकिन जो हमारी प्राइस आ रही है वो 14392 है इसे भी हम राउंड फिगर में ले आते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए अब हमने अपने तमाम आइटम्स पे अपनी कॉस्ट से मार्कअप ऐड कर दिया है और उसकी वजह से हमारी एक नई प्राइस नज़र आने लगी है कॉस्ट और प्राइस में आपको फ़र्क क्लियर होना चाहिए कॉस्ट वो है जो कोई भी चीज़ जो हम खरीद रहे हैं अपने क्लाइंट या कस्टमर को देने के लिए उसकी कीमत है। तो ये जो हमारे सामने इस रेट और अमाउंट की सूरत में चीज़ नजर आ रही है ये हमारी कॉस्ट है या वो कीमत है जो हमने अदा की है ये चीज़ हासिल करने के लिए जब हम अपने कस्टमर को ये चीज़ देंगे तो हम इसके ऊपर मार्कअप चार्ज करके थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन डाल के देंगे ताकि वो हमारे तमाम अखराजा जो ऊपर हम इसके खर्च करेंगे उसको कवर कर सके ज़रूरी नहीं कि सारा का सारा ये प्रॉफिट है हो सकता है कि इसमें से एक परसेंटेज वो हो जिसमें आपको इसको ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट हो पैक करने की कॉस्ट हो अनपैक करने की कॉस्ट हो ये तमाम कॉस्टें मिलाकर ये हम इधर सोच समझ के ये मार्कअप लगाते हैं और जब हम मार्कअप लगाते हैं तो ये जो चीज़ अब सामने आ रही है टोटल अनलाइक दिस अमाउंट ये जो टोटल आ रहा है ये हमारी प्राइस है ये हमारी कॉस्ट है और ये हमारी प्राइस है उसके बाद हमें पता होना चाहिए कौन सी चीज़ टैक्सेबल है और कौन सी चीज़ नॉन टैक्सेबल है क्योंकि हमने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन इन आइटम्स को टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल कर दिया है लेकिन अगर चाहे तो हम यहां भी चेंज कर सकते हैं लेकिन क्योंकि हमने पहले से रजिस्टर किया हुआ है इसलिए हमें पता है कि ये आइटम टैक्सेबल हैं और ये आइटम टैक्सेबल नहीं है अब हमारा ये पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है एस्टिमेट का वो तैयार है इसमें हमारी कॉस्ट भी हमें नज़र आ रही है जो कीमत हमने अदा करनी है और हमें इसकी प्राइस भी नज़र आ रही है जो हमने अपने कस्टमर को जाके देनी है जब हम ये पूरा का पूरा एस्टिमेट बना लें फाइनलाइज कर लें तो हम इसे सेव कर लेते हैं अब हम देखते हैं कि इस प्राइस के ऊपर अगर हमारे पास जो हमारा क्लाइंट है वो मान जाता है तो हम उसको इसकी इनवॉइस भी कर सकें बेस्ड ऑन दिस एस्टिमेट वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं होम पेज पे जाके जब आप होम पेज पे जाएंगे एस्टिमेट आपने बना लिया है आप उसी एस्टिमेट को सामने रखते हुए हमने एक प्राइस अपने कस्टमर को देनी है जैसी आप इन की फील्ड को ओपन करते हैं आपके सामने तमाम डिटेल आ जाती है आइए हम उसी कस्टमर को चूज़ करते हैं जिसको हमने एस्टिमेट दिया था वो हमारा एस्टिमेट मान गया है और अब हमारे पास वो एस्टिमेट अवेलेबल है हमारे सिस्टम के अंदर क्योंकि वो एस्टिमेट अवेलेबल है हमारा कस्टमर मान गया है और हम ये पूरी इन्वाइस बेस्ड ऑन दैट एस्टिमेट बनाना चाहते हैं बजाय इसके कि हम दोबारा से इन वॉयस बनाए ऑल वी हैव टू डू इस अगर उस कस्टमर के एस्टिमेट अवेलेबल है तो वो आपको दिखाएगा आपने उसको ओके okay करना है और आपकी पूरी की पूरी इनवाइस बेस्ड ऑन दैट एस्टिमेट तैयार होकर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी हमने कुछ भी नहीं किया हमने एस्टिमेट बनाया अप्रूवल ली और उसकी बेस पे हमने एस्टिमेट की बेस पे इस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए एक पूरी इनवाइस बना दी है हमने बार बार री एंटर कुछ भी नहीं किया जब भी आप री एंटर करेंगे देर इज अ चांस ऑफ एरर तो हमें कोई चीज नहीं करनी एस्टिमेट की अप्रूवल लेनी है वंस द एस्टिमेट इज अप्रूव हमने बेस्ड ऑन दैट एस्टिमेट ऑटोमेटिकली अपनी इनवाइस जनरेट करवा देनी है और हमने इसे सेव कर देना और ये हमारा ये पूरा का पूरा सिलसिला एस्टिमेट से लेके इन तक कंप्लीट हो गया नाउ दैट वी हैव कंप्लीटेड एन एस्टिमेट एंड बेस्ड ऑन दैट एस्टिमेट वी हैव क्रिएटेड एन वॉइस हुआ ये है कि हमने अपना तखमीना बनाया है तखमीने में हमें तमाम कॉस्टें नज़र आई हैं उन कॉस्टों को हमने कुछ ना कुछ बढ़ाया है ताकि हमारा जितना और खर्चा होने वाला है वो भी कवर हो और थोड़ा सा हमें प्रॉफिट भी नजर आए और एक नया एस्टिमेट क्रिएट करके प्राइस बना के अपने क्लाइंट या कस्टमर को दी है उसने उसे अप्रूव किया है एंड वंस अप्रूव्ड हमने उस एस्टिमेट को इन वॉइस में कन्वर्ट कर दिया है विद अ क्लिक ऑफ अ बटन हमें बार बार मुख्तलिफ ड्यूमेंट्स नहीं बनाने पड़े और यही इसकी खूबसूरती है क्विक बुक्स की कि ये आपको फैसिलिटेट करती है कि जैसे ही आप ये काम कंप्लीट कर लें उससे लिंक्ड सारे काम ऑटोमेटिकली होते चले जाते हैं So, now you understand how to create an invoice based on an estimate which you have created and got approved earlier. That is all for today. Thank you.